ड्रामा मचा दिया है। देख अरे छज्जे ऊपर मयूरी बाज रो आओ या ए छज्जे ऊपर मयूरी बाज रो खिल गयो फूल चमेली को। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ मेरा बूढ़ा जलती जवानी माँ के पानी सास ससुर मेरे जन्म ये नहीं रियो। 51 रुपए का पुरस्कार अमित मंत्री कीलपुर वाले देते हैं। जिस व्यक्ति ने इस गाने को गाए मेरे मित्र हैं रामधनी आगरा के, उनको भी समझाया था मैंने। पैसा ले ले बिल पैसा ले ले। हाँ हाँ भैया एक फरमाइश थी कि सवैया होनो चाहिए। 100 रुपए का पुरस्कार चमन भोला और 100 रुपए का पुरस्कार रूप बसंत मुखिया जी देते हैं। बारंबार धन्यवाद है। छज्जे के ऊपर बाजरा पे। हाँ जी बेटा मेरी समझ में जिला आ रही छज्जे ऊपर बाजरा बोए कैसे दे। अथरोली भाई है पूछ छज्जे पे बाजरा बोए बे की सोची तो बाप मेरी ससुरे पे ट्रैक्टर कैसे पहुंच गया ऊपर। बाय चांस ट्रैक्टर पहुंचा है उधर लिफ्ट करते तेने तो पर मैं परेवट कैसे है गई। तुम्हारी इजाजत तो तेरे बाजरा बंद करवा दूं भैया। सुनिए मैडम चलवाए लई बीड़ी छिटरते तेने एक एक आदमी ताली बजावो देखियो बीड़ी जलाए थे जगर से। हाँ सत्यमेव जयते में एक गाना है अब तो हौसला खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर। जलवाए लई बीड़ी जिगर देते ने अब दिलबर दिलबर कह रही है सीला उजवानी है झरवाए के अब देखो चैन ते रह रही है। ओ के ये चिकनी चमेली पौआ चढ़ाए के देखे चिकनी चमेली पौआ चढ़ाए के और अब मजा इसको ले रही है। हाँ जी अब मजा इसको ले रही है और सही कहूंगा भैया और देखियो ताली बाजरा बोल भूल जाएगी। अब मजा इसको ले रही है तेरी नीचे कित कोनिया में काहे गयो जो छज्जे पे बाजरा। हाँ जी आप क्या कह रहे हो बाबा गुफा में ले गए हमारे होती भैया की धर्मपत्नी एक दिन रस्सियों का प्रोग्राम देने गया तो होती भैया ने कह दीजिए अखिलेश आया और आए थे जाने का पानी तो प्यादे तो इनते एड़ के बोली तुम्हें पानी की पड़ रही है मैं महाराज जी के सत्संग में जा रही हूँ। ये गलती बाबन की ना जी हमारी तुम्हारी गलती है। इश्क में अंधी है के जे अब ऐसो मेल मिलाए रही है और जे खसम को पानी ना दे रही बाबा के तेलू और ये खसम को पानी ना दे रही और जब बाबा के तेले लगाए रही है। इन्होंने प्रश्न पूछा मैंने जवाब दिया और सही या गलत है निर्णय आप करेंगे लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ लूं भैया पूछ लूं भैया ने थोड़ा सा ओरे छोरा मैं तो ते पूछूं। रुक जा अब कौन से ते पूछ रहे है जे बता पहले तो भैया छोरा तो कोई ना कोई होती भैया। अच्छा हाँ तो ठीक है। ओरे छोरा मैं तो ते पूछूं ये अनहोनी बात नहीं ऐसे। ओरे छोरा मैं तो ते पूछूं ओरे छोरा मैं तो ते पूछूं अन होनी बात नहीं ऐसे। और मेरे प्रश्न में आपको आनंद आए तो केवल तालियां। ये अनहोनी बात नहीं ऐसे। और गिल्लियों 1 2 3 4 5 6 होती
भैया गिन लियो, काउंटिंग कर लियो। ये अनहोनी बात नहीं ऐसे और तेरे जिंदे छह छह बाप बता, तेरे जिंदे छह छह बाप बता, पर तेरी अम्मा रान भाई कैसे। बात गलत रही है, आप पर नहीं खुलेगा तो मैं अपना प्रश्न स्वयं खोल दूंगा, आप मंच पर आकर बोल देना। तेरे जिंदे छह छह बाप बता, तेरी अम्मा रान भाई कैसे, तेरे जिंदे छह छह बाप बता। हाँ जी, अब कहने लगे परशुराम जी, सुनिएगा। हो होता शासन बुरा और आसन बुरा रे, होता था जाएगा। अरे तेरे ऐसे करम तज के रीते रसम, तेरे ऐसे करम तज के रीते रसम, शादी करवा के आके बदल जाएगा तेरे। डर जा बचन क्यों माँ से तोरे रे, डर जा बचन क्यों माँ से तोरे, ना हो रजा कोशिश करूंगा फिर से एक मलार की, क्योंकि सामने से जवाब नहीं आया या टाइम नहीं था या फिर कोई परेशानी थी। गुरुदेव एक मलार फिर से रखने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है सामने से आप मलार जरूर गाएं, आपसे निवेदन है मेरा। हाँ बेटा,
जोरी एक बात बता, तुम बाकी से लछड़ा मत जा रहे हैं ना? बाबा बाबू झटका मार रही है तू ना? देख मेरी बात सुन के बाबा ते मत अटके मैडम क्यों, और ये तुझे अपना इलम दिखा देंगे। के बाबा ते मत अटके मैडम और तुझे अपना इलम दिखा देंगे, और तुझे लंबी चिलम दिखा देंगे, और तू गुफा के अंदर मत जइयो, नहीं खोल के फिल्म दिखा देंगे ना? लेकिन ये पिया मेरी सुन लीजिए। अच्छा बात हाजी, ऐसा ना कहेगी जी होती भैया, बात तो कहेगी कदर कायदा से कहेगी, कोई बात ऐसा ना कहेगी क्या अखिलेश के घर से अन्यू राय बारे में गिनाते। देखो मंदोदरी ने एक सपना देखा एक दिन, मंदोदरी अपने पति दशकंदर रावण से कहने लगी, सुनिएगा एक एक लाइन। महाराज अरे पिया मेरी सुन लीजिए, ये पिया मेरी सुन लीजिए, और कोई तुम छोटी सी बात, मेरे सपनों देखो रात में, मेरो तबई से तू कहेगा। लेकिन सपना क्या देखा है? और ये 50 रुपए हमारे जनाने के लिए और 50 रुपए हम कलाकारों के लिए, राजवीर वर्मा जी जट्टारी वाले देते हैं। बाबा एक बार ताली बजा करके स्वागत किया जाए। के देखी मैंने सपनों देखो रात में और मेरा थर थर कांपेगा। हाँ बेटा क्या सपना देखा है? मेरे पिया मेरे पिया मेरे पिया। गुरु जाइए पांचवो पाम सुने रंदे मत देवे बने पैर में सियर। लेकिन मेरी समझ में जीना आ रही भगवे कहां तेरा आई हो तुम दे? मेरे पिया हाय मेरे पिया हाय मेरे पिया। महाराज मेरे पिया देखो मैंने रात की सपनों, मेरे पिया हाय मेरे पिया देखो मैंने रात की सपनों, जब ते दिल कांपे अपनों, मेरे पिया देखो मैंने रात की सपनों, जब ते दिल कांपे अपनों, सपने में असगुन भारी। ए रे रे मेरे पिया देखो मेरे हाथ की सपनों, जब से तेरे मेरे पिया मेरे ए आई मेरे पी। लेकिन और क्या करिए मंदोदरी दोस्तों, चीकतरारे अगारी पैके हो ऊपर करके ये
रसीद बाबा ध्यान दे। चाहे जमाना कर ले, चाहे जमाना कर ले, ना जंपिंग करते रहो, कभी तेरा दामन ना, अरे तेरी का ऑडियो और वीडियो दोनों है। रुक जा, मैं ऑडियो बाद में चालू करवाऊंगा, पहले वीडियो पिक्चर चलेगी। पल्लंग सर को, हाँ जी, चाहे जमाना कर ले लाखों से तम आए, अरे कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। दोस्तों, हाँ जी, कमेटी के जितने भी पदाधिकारी गण, परमिशन है आपकी, एक बार हाथ उठा के बता दे भैया। इन दोनों की नई नई शादी हुई और मेल्यू देख लो आप, जुगाड़ देख लो पूरा। करवाए तुमको एक गीत करवाऊंगा तुम्हारा, मेरे फोटो बात भी, पंडित जी बात भी मेरी महाभारत से लेख से होगी और कल्पना के माध्यम से। बड़े भैया, इस गीत को रंगीन बनाने के लिए कुछ पंक्तियां अपनी तरफ से डाली है, भाव एक अलग डाला है। इन दोनों की शादी हुई, जब लड़की जैसे कि रस्म होती है, तीन चार भैया शांति का दान दे, जब तक सुनोगे नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। नई नई शादी हुई, लड़की अपने पीहर को लौटी तो सखी सहेली पूछ लेते, कैसी रही तेरी स्वागरात, तो बताए लगी कायत्रोली भाई, अपनी सखी सहेलियों को बता रही है, देख बहन घर मकान बढ़िया है, खाए पीवे की कोई चिंता नहीं, सब चीजें पर, लेकिन स्वागरात का मामलो बिगड़ गो। अब देखिए, ये अपनी सहेली को, अतरौली वाली को बता रही है और बात भी मेरी लेख से होगी, लेख को मैं बताऊंगा आपको, सुनिएगा। मेरी बहन अतरौली वाली, चले सुन रही है, लगाऊ होगी वो, जब मुझे पूछ रही है तो मैं तुझे बताती हूँ, ये ए बहन मैं कह रही